चल कर अनबॉक्स। पैसे पैसे पहले ट्रांसफर होते भाई। आलिन भाई का डाल का रे एंड्रॉइड इक्का 300 रुपया ब्लूटूथ कनेक्टेड है। सामान घेतले ना रे एअरबड्स। अयो बाबो चार्जर नाही भेटले रे भाई। बेल्ट वगैरे फेकून दे सगळं। चार्जिंग बस लावायचं आलं तू कुठे गेला चार्जर पाहिजे। स्मार्ट चार्जर ब्रेसलेट 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 दिले गाडा पाहिजे बेल्ट मध्ये चार्जर बेल्ट मध्ये काय पट्टा जात मध्ये नाही नाही आणि चार्जिंगला चार्जिंगची पिन कोड लावा। पिन उलट लावले तुला माहित आहे का रे चार्जिंगची पिन कोड लावा। अनबॉक्सिंग चालू आहे रे। हा बे बटन एकदम रे एक वर्ष वापराय दिला नाही आपल्या फोन कुठे चार्जर याच्या मध्ये यूएसबी मध्ये खोसावं लागत ते बंद करून चालू कर बटन चालू कर नाही असं बटन बंद करून चालू करणार भाई चालू फक्त चार्जिंग असो एवढ्या ह्याच्यात बंद करून दिले असते एवढ्या कमी स्पीडवर भाई बच्चे मस्ती कर रहे चप्पल बाहर फेंक दी है इनकी चप्पल नहीं पैर में मस्ती कर रहे। और ये गाड़ी इसका इमोबिलाइजर का काम किया था एयरप्लेन जैसा ऑपरेटर है ऑटोमेटिक है ये ऑटोमेटिक मैंने अभी डी में डाला अभी इसको मैं नीचे प्रेस करूंगा तो इसका क्लच काम करेगा। अब मैं पैर पीछे ले लेता हूं और जैसे इसको ऊपर लिया गाड़ी आगे चलने लगी और जैसे इसको दबाया तो गाड़ी रुक गई। इमरजेंसी ब्रेक भी लगते इससे और रेस करने पर गाड़ी रेस होती है तो ये अपने को इतना एक्सपीरियंस नहीं इसका। और ये बच्चे बाहर जा रहे हैं अभी चप्पल लाने के लिए। कोणता चष्मा विश्वास नाही मागे चप्पल चष्मा घेऊन पाहिला काय सौरा आला इकडे। इसका बॅटरी टर्मिनल लूज था तो अभी बॅटरी टर्मिनल जस्ट साइड गया और ट्रायल पर आया लंबी ट्रायल मार के आया कम से कम 2 किलोमीटर की फुल स्पीड में नहीं क्या जो कि कस्टमर का रिक्वायर्ड से प्रॉब्लम आ रहा था। सो अभी तक तो मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं और अभी जस्ट अभी इसको स्कैन किया है तो अभी ये जो ये सब फॉल्ट आ रहे हैं ये सब क्लियर करता हूँ और फिर ट्रायल लेकर देखता हूँ कि वापस कोई फॉल्ट जनरेट हो रहा है नहीं। कस्टमर अभी 2 दिन के लिए गाड़ी छोड़कर गया है और 2 दिन में बोले करक करक के दे दो जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो अभी 2 दिन के लिए इसको भी लॉन्ग ट्रायल पे सब यूज़ करके देखेंगे उसके बाद में ही डिसीजन लेंगे। क्योंकि अपन ने इसको खाली इमोबिलाइजर डाला था जो कि बाहर से पार्ट लाया था और डाला था और कोडिंग किया था ना अपन ने कोई वायर को छेड़ा है ना और कुछ किया है। और ऐसा ज़्यादातर केसेस में होता है कि बैटरी टर्मिनल लूज़ होता है उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है तो अभी बैटरी टर्मिनल थोड़ा सा था लूज़ पर अभी टाइट किया अभी देखते अभी प्रॉब्लम आता है या नहीं। अगर अभी 2 दिन में अपने को प्रॉब्लम आया तो फिर काम कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो फिर एज इट इज़ गाड़ी देना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि इमोबिलाइजर अगर फॉल्टी रहता तो गाड़ी कोडिंग नहीं होता और चलता भी नहीं गाड़ी। तो अभी जो भी बात है जो जिससे पार्ट लाया है अभी जो भी डिस्कशन हुआ है कस्टमर के और अपने बीच में तो वो जिससे पार्ट लाया है उसको बता कर देखेंगे कैसे ऐसा हो रहा था गाड़ी को तो उसका ओपिनियन क्या है वो देखेंगे। इसका तो पहले हॉर्न बंद हो गया हॉर्न बंद होने के बाद में इसका ऑयल लाइट आया जो कि लाल देख सकते हैं चेक इंजन के नीचे उसके बाद में ये गियरबॉक्स का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ये साइन आ गया पावर स्टीयरिंग के लाइट के नीचे और स्टीयरिंग लॉक हो गई थी इसकी रनिंग में स्टीयरिंग लॉक हो गई। अभी चाबी रहने के बाद में ऐसा होता नहीं है क्योंकि बैटरी का भी प्रॉब्लम रहा ना तो स्टीयरिंग लॉक नहीं होती हार्ड होती है सो इसकी स्टीयरिंग लॉक हो गई रनिंग में। उसके बाद में चेक इंजन आया और ऑयल लाइट आ गया बस ब्रेक हैंड ब्रेक का और बैटरी लाइट छोड़ के सब लाइट आया। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग को थोड़ा प्रॉब्लम लिया गाड़ी ने शायद इसके स्टार्टर में भी काम है देखना पड़ेगा
क्योंकि स्टार्टिंग को प्रॉब्लम लिया गाड़ी ने, बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है मेरे को। जस्ट स्कैन किया और अभी ये सब फॉल्ट दिखा रहा है। हिस्ट्री में एक फॉल्ट सेंसर करंट हाई बता रहा है, शायद उसके वायर ब्रेक है, वो देख लेता हूँ। और कुछ फॉल्ट नहीं है, इतना काम कर लेता हूँ। ये एक सेंसर का जो पेंडिंग में है और इसका हॉर्न का काम कर लेता हूँ, फिर अभी इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम शो हो रहा है या नहीं। तो ऑल फॉल्ट क्लियर दिखा रहा है, अभी इसके ट्रायल लेते हैं।